जी श्रीमद भगवत कथा संपूर्ण से खत्म हुई है, क्या कहना चाहोगे? अध्यापन भी एक तरह से हुआ है, अब आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? आज जी अपने साढ़े पूर्ण होती अज अपना हूँ इस टाइम 11 बजे आप देखती है जी, ठीक है जी। तो ये बारे जो भी है साड़ी माता राणी ने जो साढ़ा जिन्हें दिन कथा चली है भरपूर लंगर अपना अटूट लंगर वरत्या जी, और किसी चीज़ किसी काम च भी कोई कमी नहीं आई। सारे अपने सहयोगी जिन्हें आप सारे कमेटी मैंबर जो भी सारे 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 दौड़ भज करके किसी तरह का कोई किसी तरह की अपन घाट नहीं किसी किसी प्रोग्राम से भी किसी काम च भी महसूस नहीं हुई। बहुत ही वधिया सारा अरेंजमेंट से, क्योंकि सारे जिन्हें भी साढ़े मुख मेहमान आए सारे ने बहुत वधिया कहा जी, बहुत वधिया कमेटी ने काम किया है, बहुत वधिया सारे ने। मंदिर का क्या आगे निर्माण के लिए क्या क्या बेसमेंट की तैयारी कर रहे, क्या क्या निर्माणों ने कुछ क्या क्या कह गए हैं चीफ गेस्ट है, उनके बारे में विस्तार में बताएं। मंदिर पे जो जितने भी चीफ गेस्ट आए सभी ने हमें इंश्योरेंस दी है भी हम इसके लिए बेसमेंट का काम करना ही शुरू, उसके लिए जो आपको चाहिए हमारे पास आज ना लेना ही, जितने भी जो कुछ भी होगा हम सब कुछ देंगे आपको। सर हर्षोल्लास से पूरी मनाई गई है श्री भगवत का, और कह रहे हैं कि जो बसंत जी महाराज दिया था उनको और भी मोहाली से और मंदिरों में बुलाए श्री भगवत करते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मुझे दो भी नॉलेज है, मुझे एक तो 23 के कमेटी के सेक्रेटरी साहब और प्रधान जी थे, उन्होंने पूछा मुझे इनके बारे में भी कैसे करते हैं, मैं कहीं बाकी आप देख ही रहे हो, उन्होंने भी हाजिरी दी थी जहाँ तो साथ में थे मुंह फेस वाले मंदिर वाले थे जहाँ इनके पास हमने ठहराया हुआ था, जिन्होंने हमारे से कोई पैसा नहीं लिया कुछ नहीं, इनको पूरी फ्री वहाँ रखा हुआ था हम उनके पास, उन्होंने भी जहाँ हाजिरी दी और आके उन्होंने देखा इनका और फिर वो कहते हम भी करवाएंगे इनसे कथा। हाँ जी शर्मा जी बताइए, ब्राह्मणों का रोल बहुत रहता है आपके यहाँ, जितने भी दसवें में पंडित हैं और एक पंडित और भी कहीं से बाहर है, कैसा रहा है यहाँ प्रोग्राम और इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कितना सहयोग आपको ब्राह्मणों का मिला है? देखो सागर जी पहली गल तो मैं जिहड़ा तुहाडा चैनल दे राही साडा प्रचार होया बहुत वधिया प्रचार होया जिहदे नाल संगत बहुत वध चढ़ के आई है, ते रही गल जिस तरह तुसीं कहा पुजारियां जां ब्राह्मणां दा, सानूं पूरा सहयोग मिलिया, साडे जो मंदिर दे मेन पुजारी दुर्गा प्रसाद जी ने ते राजेश पंडित जी ते भट्ट साहब रविंदर भट्ट ते दोनों सेवादार हरीश जी और कन्हैया जी ने पूरा साडा सहयोग दिता, सानूं किसे तरीके की कोई रुकावट नहीं आन दित्ती, सारे ने कमेटी नाल वध चढ़ के हिस्सा लिया। क्योंकि जी जहाँ जनरल सेक्रेटरी है प्रधान जो जनरल सेक्रेटरी का मेन सबसे अहदा होता है, आप की कहना चाहोगे जी इस आज ये जो भगवत कथा हुई है, कुछ इंसान से गलतियां भी हो जाती है सब कुछ सही होता है, किस बारे में की कहना चाहोगे, कौन सी कमियां छोटी सी गई है जो अगली बार सुधारी गई? ऐसा है कि देखो थोड़ी बहुत ही कमी तो रह जाती है, उनको कहना भी पड़ता है, लेकिन ओवरऑल हमारे मंदिर में बहुत बढ़िया भागवत कथा हुई है, बहुत संगत आई है, सबको हमने एंटरटेन किया है, कोई आदमी नाराज हो जाने नहीं दिया, सारे VIP आए हैं उनको पूरा एंटरटेन किया है, उन्होंने मंदिर के डेवलपमेंट के लिए पूरा सहयोग देने का वादा किया है और हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे, और अब हम बेसमेंट का काम शुरू करने जा रहे हैं थोड़ी देर में, इसके बाद बेसमेंट का ही मेन काम है, उसके लिए हम VIP के संपर्क भी करेंगे। बाकी मंदिर में भागवत कथा ऐसी कभी नहीं हुई, कभी 11 में भी हो रही है, लेकिन लोग 11 वाले भी यहाँ आ रहे हैं, डेली लंगर लग रहा है, आज भी लंगर है, देखो कल भागवत कथा संपन्न हो गई लेकिन आज भी लंगर हमने किया, आज हवन हुआ है, बहुत बढ़िया हवन हुआ, बड़ी देखा गया आज हवन में बहुत मात्र शक्ति बहुत लोग आए हुए थे, बिल्कुल कैसा प्रतीत हुआ जी, मात्र शक्ति का पूरा सहयोग है हमारे साथ और वो सारा काम बढ़ चढ़ कर रही है। पंडित जी आप मुख्य पुजारी हो यहाँ पे, बताया है कैसा रोल रहता है जब आप यहाँ पे कार्य करते हो, कैसा रोल रहता है कमेटी का और कैसा रहता है कि लोगों से आपको जुड़कर सारा कुछ करना पड़ता है, हवन आपने कहा पूजा, कैसा पार्टी आपके साथ कमेटी कैसा सहयोग करती है? मैं सर्वप्रथम आप पत्रकार महोदय का जितने हमारे बीच में आए थे और आपका अपने दुर्गा मंदिर सभा की ओर से तहदिल से धन्यवाद करता हूँ। तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक संदेश समस्त मंदिर कमेटी के प्रधान जी एवं जितने भी पदाधिकारी हमारे यहाँ या पुजारी जीगण जो भी होते हैं, तो इनका मैं प्रार्थना करता हूँ जिस प्रकार से हमारे मंदिर में हमारे साथ हर समय अपने मित्रों जैसा व्यवहार, अपने पुजारियों जैसा व्यवहार, अपने घर परिवार जैसा व्यवहार किया जाता है, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में इनका प्रधान जी सेक्रेटरी साहब चेयरमैन साहब वाइस प्रेसिडेंट साहब जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं अपने रसोईया जी पाठी साहब जो भी ब्राह्मण देवता हैं सभी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के माध्यम से हमारे इस मंदिर का 8 दिन तक जो प्रचार चल रहा है, तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि ऐसा ही
हर मंदिर में ऐसे ब्राह्मण पुजारी हो और हर मंदिर में ऐसी कमेटी हो तो हमारे धर्म का बहुत बड़ा प्रचार हो, धर्म प्रचार हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जालू महाराज जी, आपने यहाँ पे 700 दिन हवन कराया है और मंदिर कमेटी ने भी आपका कैसा साथ दिया है, इसके बारे में विस्तार में बताएं। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और यहाँ जो 10 देश का जो दुर्गा मंदिर है, यहाँ की कमेटी में ना तो कोई राजनीति है, ना कोई कूटनीति है, ना कोई छल नीति है। ये इतने प्रेम के पुजारी है कि इनकी नजरें इतनी तेज है कि इस मंदिर से, इस दरबार से कोई नाराज होकर ना जाए। हर प्रकार से ध्यान रखते हैं, हर प्रकार से सेवा में आगे रखते हैं। जो मैं हवन पिछले 15-20 साल से लेकर के चल रहा हूँ, उस हवन की भी इन्होंने बड़ी सराहना की है। और पूरी मंदिर कमेटी हर रोज हवन में बैठी है, चाहे मैं 1 घंटे बिठाओ चाहे मैं 1.5 घंटे बिठाओ। इन्होंने ये कभी नहीं कहा कि बस पंडित जल्दी करो जल्दी करो। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पंडित जल्दी करो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे पूरा आनंद लिया जा रहा है। तो ऐसी व्यवस्था हर एक मंदिर में होनी चाहिए मोहाली पंजाब के क्षेत्र में। और इसी मंदिर को मुख्यालय बना दिया जाना चाहिए ताकि यहाँ से हर एक मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, किसी प्रकार के काम नहीं हो रहे हैं, पंडित ठीक नहीं है या कमेटी ठीक काम नहीं कर रही है, तो यहाँ से ज्ञान लेकर के या इसे मुख्यालय बना करके पूरे पंजाब में इसका संचालन होना चाहिए। जय दुर्गा मैया, जय श्री कृष्ण।